आ जाए, मैं तो कहता हूँ आ जाए बाहर, बड़ा प्यारा मौसम है, आ जाए थोड़ी देर से जंगलों में चलते हैं पीछे। 1 2 3 1 2 3 काटो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोई नहीं जी, अभी हम दूध पी रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं करना, चलो दूध छोड़ के करो। 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट। कल से ना इसकी हमने फोन किया, हाँ मैंने सलाम करना था, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, और आप सारे ठीक होंगे? मेरा भी रहता है, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, सब लोग ठीक ठाक हैं? हाँ जी, एक साहब क्या कहने थी बता दे, कल ना इसकी आशा की ना दोनों पोनियां खोली तो ये ना अजीब सी लग रही थी हमें। हाँ बहुत बहुत सही बात यार, ये तो कुछ अजीब ही लग रही है, इसकी पोनियां लगा दे ये तो बुरी सी लग रही है। वही ना, हम देख देख के ना इसको आदि हो गया, या कभी एक साथ पोनी उतारे ना सुबह उठ के ऐसा पोनी कर देती है, वो एक दिन ऐसा गुजरा ना कि पोनी की नहीं की, तो मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी चीज है, बाबू फटा हुआ। सही बात है, पर अभी का सीन ये है कि आप लोगों को जिस तरह पता है कि अगर आप लोगों ने हमारा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें आप लोगों को पता होगा कि वो बेडशीट भाई उठा के ले गया उनके साथ, मैंने भी उठवाया था, तो ना वो साइड पे रेत थे ना, तो वो जूते इतने गंदे हो गए थे ना कि ये देखें यहाँ से हाल क्या हो गया। ये भी हमने कल के परसों अक्सर जो है ना, हम अक्सर मैंने मिलकर साफ किया, उधर से ना सारी मिट्टी आ गई मेरे पाओं के साथ भी, साथ उनके जूते के साथ भी आ गया, मैं करने ये लगा अक्सर मैं यहाँ से ना मिलकर सफाई सुथराई कर देते, ये देखे ना जरा ब्लैक टाइल है ना, तो वो बड़ा जीप जीप सा लगता है, गंदा गंदा लगता है, लेकिन अभी इसकी सफाई कर देते, इधर भी व्हाइट टाइल है, इधर भी जीप ही लगता है। आप अपने शूज उठा के इसी के ऊपर रखे ना, इसके ऊपर आउटडोर के ऊपर रखे, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से साफ सुथराई मिलकर करते हैं, ख्याल से लगाना कहीं डीग ना जाना। ये जी अफसर ने लगाई, देखे वैसे इस तरह हो जाती है साफ हो गए टाइल, लेकिन जितनी तक हम नीचे पहुंचते हैं ना, मट्टी उड़ के हल्के हल्की दोबारा ऊपर आ जाती है, लेकिन अभी सफाई बहुत जरूरी हो गई थी, बंद है ये वाली विंडो, बंद है, तो अफसर यहाँ से नक्शा सफाई वगैरह कर रही है, एक तो आ नहीं पैंती सुकून ना, हम मेरे ख्याल अद्धा तू कर छेड़े अद्धा मैं करना, बाकी नहीं तो इसने पीछे ही आया रहना है हमारा, ये बड़ा रोल है ये ना। सही बात है, ये देखे अक्सर इधर तक पहुंची है ना, इन्हें क्या अम्मी गैप हो गई, अब्बा नजर आता पता नहीं की होने लगा, मैं पहुंच जा पहले, और इसका ये होना है कि बाबा नजर नहीं आ रहे, बाबा नजर तो आ रहे, लेकिन ये कहती कि मामा के साथ साथ, मामा के साथ चिपके रहना, जो दूध भी हो आप आ जाइए, मामा जाओ मेरा बच्चा, जाओ 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 जाओ, अच्छा ना जाओ यार ना, हाँ कैसे रोने लग पड़ती है ना, यहाँ से मैं आ गई आ गई, अक्सर दे मैनू, जाओ जी जाओ जल्दी करो, तुम जाओ उत्ते कुछ रह ना जाए, जाओ ठीक है मिल गई है मामा। ये जी यहाँ से भी सोचा सारा डन कर दिया, इस साइड से भी लगा दी है, और जो ये वाली जगह थी ना इधर भी लगा दी, आयशा जो है ना अक्सर को कोई नहीं काम करने देती ना, वो कहती है कि बस वो तो मेरे पास ही रहे, बस बाहर से भी लगा दिए, अलग लगा हम ये चाहिए वाला काम कर सुबह भी देते, लेकिन रोला अभी का ये था कि ना वो मिट्टी है ही बहुत ज्यादा थी, वो सारी साफ साफ ना पाँव के अंदर चाहिए जा रही थी, अब देखे ना साफ हो गया, वैसे भी बंदा इतना बुरा देखे ना गंदा हुआ तो बंदे को वैसे ही उलझन होने लग पड़ती है, ये ले चमक गया सारा हो गया, आयशा नहीं पैसे को काम करने देती है, मतलब आपने झाड़ू फेरना ना तो उसको अपने साथ बांध के किसी जगह पे ना किसी नुक्कर चुक्कर पे, ये बाल्टी आपके बैठने के लिए इसमें नाइया करनी है गर्म पानी करके, टप है ये, नाइया नहीं करनी, नाइया नहीं करनी आयशा ने, अब से इसकी भी नाइया शेही करवाए पानी गर्म करके ठीक है ना, और इंशाल्लाह कोई 5-6 दिन तक ना मैं गीजर वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ, वो भी लगवा देता हूँ, वो ही ना साथ ही मुंह बन गया, नाइया नहीं करनी, करनी है करनी मेरा बच्चा, अच्छा नहीं करनी ठीक है, करनी तो है ही सही ना, हमें तो पता ही करनी है जी, मैं आधी सीढ़ियों पे नीचे झाड़ू शाड़ू लगा के आया हूँ, बेगम ने इधर लगाना शुरू कर दी, यार ये कहाँ से आता है ये गंद, अब देखें इसका बंदा क्या करे, मुझे तो लगता है अभी रेत आ गई सारी पाँव के साथ अंदर, हाँ नहीं ये अभी जोन सी आई हुई है ना, ये ज्यादा वो रेत आई हुई है, कौन सी भला ये जोन सी मैं साफ नहीं करके पाँव के साथ जो आई है ना वो ही ना, उसके साथ वो सारी रेत आ गई है, आप देखो इधर की चल रहा है, आप देखिए टप दे टॉयस पा के ये अपना खेलना है टॉयस, ऐसे टप भी ना ला दो आयशा को, ऐसे टप ला दो, लेकिन जो भी है ना ये जो भी है आयशा ना अपने आपको किसी ना किसी काम में ना इस तरह छोटे मोटे काम में बिजी रखती है, देखिए अब ये ना इसके अंदर ला के डालने शुरू कर दिया, अपना शौक पूरा हो रहा है कि मैं अपने टॉयस इसके अंदर डाल रही हूँ, और एक से अच्छा किया आपने लगा दी, क्योंकि आयशा फिर ही होती है फिर उसके हाथ पाँव गंदे होते हैं, बेहतर ही किया लगा दिया, एक दफा ये ना असल में सारी रेत उसी टाइम अंदर आई है पाँव के साथ मेरे, और आपके साथ भी मेरे पाँव के साथ ज्यादा आई है फुट के साथ, ये नहीं वो हालांकि लेके हम जूते बाहर वाले अंदर नहीं लेके आते, लेकिन फिर भी आ जाती है, ये ना नीचे वीडियो के हमारे ना कॉमेंट्स भी आए हुए थे, और ना अक्सर मुझे कह रही जितनी देर अभी नहीं आता इसका कवर, क्योंकि कवर हमें तो था कि एक दो दिन में आ जाएगा, तो अक्सर कहती है उतने दिन आप ये ब्लैंकेट ऊपर डाल देना,
ताकि ये गंदा ना हो, फिर से डाल दो यही। हाँ डाल दे, फोल्ड करके इस तरह ना डाले। नहीं इसी जगह पे नहीं, पूरे पे ही डाले फिर। हाँ? पूरे पे डाल ना, ना सारा के नीचे वाला ज्यादा गंदा होगा। हाँ नीचे वाला ही होता है साइडों पे गंदा। फिर यहाँ पे डाल दो फोल्ड करके, पक्की बात है। हाँ बस फिर डाल दो। चले नहीं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फूड वगैरह जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे ना हमने सोचा कि हम ये ना उतने ब्लैंकेट डाल देते हैं ताकि ये बिल्कुल ही ना खराब हो जाए, ये ना जब तक वो कपड़ा है तो ये बिल्कुल खत्म हो पड़ा हो। और आशा जो है वो येलो सोफे पे तो बैठती ही नहीं है। नहीं जी अभी जी, फिर जितनी देर कवर नहीं आता उतनी देर हमने ये कर दिया, मैंने बैक साइड पे भी डाल दिया ना, इतनी कोई इधर टेक लगती है, इधर थोड़ी बहुत लगती है लेकिन वहां पे चले आ गए। बैक साइड का ज्यादा होता है, यहाँ पे ये होता है कि बंदे ना इस तरह फुट रख के ऊपर, बंदा मतलब ऐसे नहीं फुट रख के सोफे पे बैठ दो तरीका, ऐसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखे ना अभी मैं बैठने लगा ना, ऐसे ही मैंने फुट ऊपर रखे हैं और ऊपर ने अभी ऊपर कर लिए, फिर मसला खराब होता है कि गंदे पाँव होते गंदा हो जाता है। अक्सर इधर खाना शाना जो वो लगा दिया हुआ, मतलब खाना अभी पूरा नहीं लगा, खाना सिर्फ ये ओवन में ना, ओवन अंदर से उठा के बाहर लेके आना होता है, इसको स्विच लगाना होता है, बस ना मुझे याद नहीं रहता। मैं हर दफा कहता हूँ अक्सर काश मैनू याद रह जाए कि तार लेके आनी, ये पता है किस दिन याद रहना है, जिस दिन ये मसला बना हुआ और उसी टाइम हमने कहा कि नहीं अब बाद में गर्म करेंगे पहले जाके तार लेके आते हैं, उस दिन होगा। चलिए अब अगली बार इंशाल्लाह यही करेंगे। पुलाव मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म करना था, मैंने कर लिया है। पहले तो अक्सर कही थी कि अक्सर इतनी भूख नहीं, अक्सर देख लें काफी गर्म है। हाँ चलिए आप चेक करें काफी गर्म है, पक्की बात देख ले, मुझे नीचे से ठंडा लग रहा है, ठंडा तो नहीं होगा। ठीक है हाँ, चलो सही है ना, अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको जरा पैक कर रहे हैं कि यार ठंड से ना लगे, हाईनेक नई शर्ट बनाई, आप आया तो हो गया कहती है ग्लव्स पता नहीं कौन सी चीज है। चलो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी, ना 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 नहीं पहन यार, नहीं डरने वाले, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा भाई गलती होगी हमसे, पहना के नहीं पहनाते ठीक है, बाद में मिलते हैं। जी जो छोटा मोटा सामान रखना था वो मैंने गाड़ी के अंदर रख लिया हुआ है, ये कपड़े आयशा के इसलिए इस तरह खोल के रखे हैं, असल में ना ये हुए थे धोने वाले तो अक्सर ने धोए हैं, उसकी वजह से थोड़े थोड़े गीले हुए हैं, तो मैंने कहा अक्सर इसको ना डिग्गी में रख देता हूँ, वो हीट पड़ेगी ना ऊपर से धूप पड़ेगी तो ये सारा कुछ खुश्क हो जाएगा, तो कपड़े आयशा के मैंने रख लिए हुए अंदर। और मौसम जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मौसम भी आज इतना प्यारा बना पड़ा है ना, मतलब प्यारा कह लें, सर्दी में प्यारा ही कह सकते हैं, बारिश के हल्के हल्के ड्रॉप्स भी नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें गाड़ी कितनी गीली हुई पड़ी है, सारी की सारी जो गाड़ी है ना वो ऐसे गीली हुई पड़ी है, बहरहाल अभी दिन वाली साइड पे जो है ना वो टाइम जा रहा है, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, मतलब सुबह सुबह वाला टाइम जो है ना वो शुरू हो गया हुआ है और अभी ना सुबह होने लगी है, बस अब जाके आयशा को उठाता हूँ, आयशा सोई सब लेता हूँ, फिर हम लोग बस निकलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी और कौन कौन सी चीज़ें रहेगी रखने वाली, बस ये बैग यही रह गया और आयशा बस उठाने वाली रहेगी, ये आप ले जाएंगे नीचे तक या छोड़ा हूँ पहले, शूज भी तो है ना उठाने वाले मेरे। चलें फिर इतना करता हूँ व्लॉग कर रखते हैं 2 मिनट अंदर, आप ये चीजें लेके चलें, मैं आयशा को उठाता हूँ साथ, एक हाथ में मैं शूज पकड़ लेता हूँ। और बाहर बारिश हो रही है, ऐसा मौसम ही कभी कभी बनता है बारिश हो रही है बाहर, आपको पता है गाड़ी में बैठ के लगती, वैसे पता था आपको बारिश हो रही है, बड़ी ही कुछ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे दिल में बात रह जानी, ये ना मेरा फेवरेट मौसम है ट्रेवल करने के लिए, सुबह का टाइम। हाँ ये तो है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलता है, बड़ा मजे का लगता है। चले जी अभी बारल जो है ना आयशा को उठाते हैं और आयशा को उठा के लेके चलते हैं, ये तो मेरा बच्चा आज सिरप पी के छो गया हुआ है। सही बात तो ये है कि बाकी का मौसम बाकी की बातें सारी छोड़ के ना इस टाइम दिल कर रहा है कि सिर्फ मैं इस मौसम को इंजॉय करूँ, इतनी इतनी प्यारी हवा चल रही है ना हल्की हल्की सी, और इन दोनों का शूट चल रहा है अंदर, मैं कह रहा हूँ अक्सर इस टाइम सही बात है, पता क्या दिल कर रहा है कि सारी बातें छोड़ के इस मौसम को एंजॉय करूँ। और मैं जे आप देख लें सर्दी है, हवा ठंडी है ठीक है, मैनू वेख ला मैं नहा के आया ठीक है, फिर भी मैं हाफ स्लीव शर्ट पा के फिर रहा, मुझे नहीं लगती अभी मुझे ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा है कोई सर्दी नाम की चीज हो, उसको सर्दी नहीं लगती गर्मी लगती है, ऐसे ही स्वेटिंग हो जाती है, उठ गया लेकिन उसको हमने फुल कवर किया, उसको फुल कवर किया, अभी ऊपर सोई हुई थी तो बल्कि इसका माथा वगैरह बड़ा गीला हुआ था, तो बहरहाल मेरा सीन यही है मुझे सर्दी काम लगती है, निकले आप फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके। ले जी बिस्मिल्लाह करके अभी हम बस घर से निकले ही हैं, आप लोगों के साथ साथ ही शेयर करते जा रहे हैं, लेकिन ये जरा सीन चेक करें, अपने नूडल्स बना के साथ लेके आई हुई है और गाड़ी में बैठ के नूडल्स एंजॉय हो रहे हैं। हाँ, मेरे दिल में मैंने घर ही बना लिए थे। और एक मिनट ठीक आने लगी हमें ये पता नहीं आजकल क्या रुक गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड ब्रेकर की तरह, स्पीड ब्रेकर की तरह नहीं है रुक जाती है, सही बात है। लेकिन अभी हम लोग बस निकले हैं यहाँ से, अपने क्या कहते हैं पेट्रोल स्ट्रोल गाड़ी के अंदर डलवाएंगे, फिर साथ साथ आप लोगों के साथ निकलते जाते देखते कहाँ तक पहुंचे, लेकिन आज ये वाला व्लॉग जो है ना एंड हम लोग कहीं दिन करके करेंगे इंशाल्लाह, दिन तो वैसे शुरू हो गया हुआ है और ये जहाज भी बस उड़ने लगा, अक्सर गया जहाज कितना प्यारा मौसम लग रहा है, मुझे पता नहीं बारे YouTube फैमिली आप लोगों ने कमेंट्स करके बताने कि आप लोगों को मौसम कैसा लगता है, हल्की हल्की बारिश
और साथ ये क्या कहते हैं सुबह वाला दिन, सुबह वाला टाइम। इस टाइम जो है ना ये टाइम आता है ना पता भी नहीं चलता बंदे को, एकदम से दिन हो जाता है ऐसे बिल्कुल अंधेरा होता है और साथ ही दिन हो जाता है। इस बीबी के अभी भी जो है ना साथ चल रहे हैं ये नूडल्स, आयशा ने नहीं खाने। अच्छा पीछे भी मैं ही रह गया, तुसी दो में लगी हुई हैं, दोनों लगी हुई है, मैं ही रह गया हूँ, बस खा पी रही है आराम सुकून से। मैं भी आगे जाके कुछ लेता हूँ, देखना अभी जरा। वेलकम टू गुजरांवाला, ऑटो चेक करें कितने ज्यादा हैं इस रोड के ऊपर स्पेशल। ये काफी टाइम से अक्सर पहले तो भाईजान मुझे जो काम था ना वो था गुजरांवाला। अभी मुझे यकीन है कि यहाँ पे जिस ऑफिस मैंने जाना था वो खुला नहीं होगा, लेकिन मुझे वहाँ पे एक बंदे का नंबर चाहिए, तो वो नंबर तो चले मुझे इंशाल्लाह अभी मिल जाएगा, उसका नंबर लेते हैं यहाँ से और फिर आगे निकलते हैं। ये हमारा अभी आ गया सैटेलाइट टाउन, कोई शॉपिंग शॉपिंग करनी है तो बता दें, सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ शॉपिंग करनी तो बता दें। शॉपिंग सब कुछ बंद पड़ा है, शॉपिंग करनी और अभी तक हम सोए नहीं। हां बरल यहां पे भी ना आगे आता है मेरे ख्याल से चीमा हार्ट कॉम्प्लेक्स, उसके पास मैंने जाना है, वहां पे मुझे बस उसके करीब एक ऑफिस है, वहां पे काम है। ये सामने यहाँ पे ना ये CMH है मेरे ख्याल से, चट्टा मेडिकल कॉम्प्लेक्स शायद इसका कुछ नाम है। इसके सामने मुझे याद था कि मैंने यहाँ पे आना है, लेकिन ना यहाँ पे भी कोई नंबर शंबर कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर पीछे ना अभी ये रेड कलर में आपको भाई अगर नजर आ रहा है, मैं इनके पास गया हूँ, उनसे मैंने नंबर लिया, मैंने कहा जब ये आएंगे ना मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप मेरी बात करवा दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात करवा दूंगा, पर वापसी पे होगी नहीं नहीं अभी इनको मैं कॉल करूंगा ना जब ये आएंगे, फिर ये मेरी उन भाई से बात करवा देंगे जिनसे मैंने मिलना था, तो मैं उनका फिर नंबर ले लूंगा आगे, फिर उनके साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगा, सारी क्लियर हो। हाँ वो सारी मैं बातचीत कर लूंगा उनसे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ आज का तो ऐसा सही बात है, हमारा ये टूर स्टार्ट हुआ है, मतलब हमारा सफर शुरू हुआ है, कि अक्सर वो क्या कहते हैं मौसम भी हमारी मर्जी का और जहाँ भी हम रहे हैं आज ही हमारा प्लान भी बनाया जाने का, तो बड़ा ही कोई ना हसीन किस्म का मौसम है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं रोड के ऊपर ही, लेकिन गाड़ी बहुत स्लो स्लो चलानी पड़ रही है, अब थोड़ा टाइम अक्सर हमें ज्यादा लग जाएगा क्योंकि बारिश में ना स्लिपिंग वगैरह बहुत होती है, बारिश में वैसे भी स्लो चलानी पड़ती है, स्लो ही चलानी चाहिए गाड़ी, मैं इतना रिस्क नहीं लेता, मैं गाड़ी तेज भगाऊं। अभी मेरी आप गाड़ी देख रहे हैं ये 90 के ऊपर मेरी गाड़ी ना जा रही है, तो इससे मैं स्पीड 80-90 इतनी पे जा रहा हूँ। अभी ना मैं जीडी रोड पे रुका हूँ, तो मैंने टायर्स वगैरह मैंने कहा एक दफा हवा वगैरह चेक कर लूँ, वैसे तो टायर्स की हवा वगैरह ठीक ही है। दूसरा ना अक्सर ना आयशा का जो डायपर है ना वो चेंज करना था, मैंने कहा डायपर भी चेंज कर ले क्योंकि लाहौर से निकले तो अभी तक उसने कहा चेंज करने का कहा नहीं क्योंकि अंदर वो सोई रही है, तो अभी डायपर चेंज करवा रही क्योंकि एकदम लीक हो गया ना तो सारा स्यापा पड़ जाना, सारा काम खराब हो जाना है। और मुझे पक्का यकीन है कि अंदर ना हवा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मौसम जोन सा ना इस टाइम मैं कहता हूँ सही बात है। अब मुझे पता नहीं है कि आगे मौसम कैसा होगा, बहरहाल यहाँ तक का भी जो मौसम है ना, मतलब आगे पिंडी व इस्लामाबाद वाला मौसम कैसा होगा, यहाँ तक का जो मौसम है ना वो तो अभी तक बहुत ही मतलब ना एंड किस्म का है। लाहौर से लेके अभी तक गुजरांवाला तक मौसम फुल जो सा बारिश हो रही है और ऐसे बहुत ठंडा मौसम बना हुआ है, पर बड़ा मजे का लग रहा है मुझे तो। आज मैं तो कहता हूँ आज बाहर बड़ा प्यारा मौसम है, आज थोड़ी देर से जंगलों में चलते हैं पीछे नहीं जंगल जंगल कोई नहीं है, हमें बस थोड़े से पौधे ही हैं, तो अगर आना है तो आज 2 मिनट कोई वॉक शॉक करनी है खड़े होना है तो। मैं तो भाई अपनी ब्लैक शेक सीधे सीधे कर रहा हूँ भाई, इतनी चला के आया हूँ लाहौर से यहाँ तक पहुँच गया गुजरांवाला तक, इतनी वैसे कोई नहीं चलाई, लेकिन वैसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा सी रेस्ट ले लेते हैं, टायर्स वगैरह गाड़ी की चेक कर लेता हूँ और ये भी डायपर शायपर चेंज करने आ जाऊँ, हो गए चेंज। बाकी जी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आयशा विद मॉम को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ अल्लाह हाफिज़ अक्सा, बाय करते हैं, बहुत हवा आ रही होगी अंदर, अल्लाह हाफिज़, चलो सोची प्यादे बंदा गया, अल्लाह हाफिज़।